दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वालों के लिए स्मॉग भरी रही। दिल्ली में रहने वाले जो हवा सांस के माध्यम से ले रहे हैं उसे बहुत खराब बताया गया है। सबसे बुरा हाल आनंद विहार इलाके का रहा। शुक्रवार सुबह 6 बजे आनंद विहार में AQI 395 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता 300 से 400 के बीच में दर्ज की गई। यह हाल तब है जब दिल्ली सरकार की ओर से पटाखों पर बैन लगाया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने इस पर भी बयान दिया है। आज दिवाली के अगले दिन जिस तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाएगा, उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है उसकी एक सफलता मानता हूं। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। हवा में मौजूद छोटे धूल के कणों को काबू करने के लिए एंटी स्मॉग वाहनों की सहायता से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कैसे मापा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? हवा में PM 2.5 की सघनता के आधार पर गुणवत्ता मापी जाती है। PM 2.5 प्रदूषण में शामिल वो सूक्ष्म संघटक हैं जिसे मानव शरीर के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर ये 0 से 50 के बीच है तो हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है। 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 के बीच को थोड़ा प्रदूषण, 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 401 से 500 को गंभीर स्थिति में रखा जाता है। इस खतरनाक प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे स्मॉग वाली जगहों पर N95 मास्क पहनकर ही जाएं, सुबह और देर रात फिजिकल एक्टिविटी कम करें, संभव हो तो घर के बाहर कम निकलें।